दुआएं बटोरो, प्यार बांटो या नफरत की जिंदगी काटो। ये तो बॉल खेल रहा है। जल्दी करो, अभी हुक्म छूटेगा। फौरन बाहर निकलो, अम्मी की गोद में सोए हो क्या? जी। चलो वेपन्स लेकर। जी जी। शूटिंग प्रैक्टिस। अरे उठो यार। चलो चलो। पोजीशन ले, लगा दे निशाना। जाइए जाइए मलिका आलम, हमारे लिए कुछ लजीज खाना पेश किया जाए। अनूरू को यह तहजीब सिखाया जाए कि घर में दाखिल होते ही बड़ों को सलाम करना है।
सलाम अलैकुम दादी अम्मा। सलाम अलैकुम दादी अम्मा। वालेकुम सलाम। नूरू चले, ठीक है, तुम तैयार नहीं अभी तक? हाँ, क्या कहाँ जाना है? पुरानी कोठी और कहाँ? बिल्कुल नहीं। अरे मुझे बात तो करने दो बिरादर, मैं बस आया। हाँ, तुम कहीं नहीं जा रहे, मुझे तुम्हारा ये आंसर दोस्त एक आंख नहीं भाता। हाँ, और मेरा दूसरा दोस्त शाकिर। नूरू, नूरू चलो। हाँ, मैं बस आया। नूरू, नूरू चलो, नूरू चलो। नूरू तुम कहीं नहीं जा रहे, नूरू दादी ठीक नहीं है। नूरू, अरे बस आया। नूरू, चलो अंदर चलो मोहतरमा, तूफान आने वाला है। खुदा ना खास्ता, हवा का जोर तो बहुत है, बस ये तूफान गुजर जाए। चलिए सिस्टर, चलो अंदर, उधर कुछ नहीं है, बारिश होने वाली है। देख रहे हो वो दुमिया, कौन आ रहा है? ये हैं हमारे दीन के जाबाज सिपाही वहीद खान। कहते हैं कि आपके हाथ में तलवार हो और इनकी एक पैनी नजर तो समझो हो गए तलवार के टुकड़े। आज रिक्रूट की नई फसल के साथ आए हैं, बस देखते रहो। आज तक कोई जीता नहीं, इनकी एक आवाज पर कितने ही जवान अपनी जान कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। आप कौन है जो दरियाफ्त कर रहे हैं? और चिल्ला, अरे जिहाद में टॉर्चर तो एक मस्त है, इसकी प्रैक्टिस होगी तब तो मगरब की शैतान का सामना कर पाओगे। ऐसे भाई लोग कुछ बिरयानी बची है ले लीजिए। चलो सबके सब, भाई साहब ने बुलाया है अभी के अभी।
आप लोग जरूर अपना घर छोड़ के आए, पर आपके वली आपके साथ है। बेशक वो आपके दुनियावी अब्बा ना हो, आपकी रूह के वालिद हैं। आपके सामने तशरीफ आवर हैं हमारे रहनुमा जनाब अब्दुल रहमान अल फिरौन। शाम बरसों से इराक, वजीरिस्तान, अफगानिस्तान और सीरिया में हमारी हुकूमत है। दुश्मनों ने ड्रोन से फाइटर जट से हम पे बम मारे, लेकिन खुदा की कसम हमने घुटने नहीं टेके दुश्मनों के सामने। आप में से जो भी अपने आप को फख्र से मुजाहिद कहेगा, आज का दिन उसके लिए बहुत ही अहम और पाक। लोग हमारी बातों को जज्बाती बातें कहते हैं, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि हमें दुनिया के मामलात की कोई समझ ही नहीं है। आलमी हालात पर हमारी नजर ही नहीं है, इसलिए लड़ो मारो और मरो की बातें हम लोग करते फिर रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि जिस शख्स ने अपनी आंखों के सामने अपने साथियों को शहीद होते हुए देखा, जिसने अपनी जवानी में सोमालिया के बच्चों का खून होते हुए देखा, जिस शख्स ने कश्मीर की माओं को रोते चीखते हुए देखा, जिस शख्स ने अफगानिस्तान की वादी को खंडरों में तब्दील होते हुए देखा, बताओ तो सही, क्या वो शख्स दुनिया को लतीफे सुनाएगा? क्या वो शख्स गालियां सुनाएगा? क्या वो शख्स गंदी जमहूरियत की बात करेगा? क्या वो शख्स बुजदिली का सबक देगा? जमीन पर ऐसा जुल्म नहीं हुआ था, दुश्मन मुजाहिदों को चैलेंज कर रहे थे, तो मुजाहिदों की तरफ से कोई जवाब देने वाला ही नहीं। आप लोगों को याद दिलाने के लिए एक एक के सामने झोली फैलाता हूं कि हम मुजाहिद हैं। मैं तो ये बात याद दिलाने के लिए आया हूं कि आप लोग झुकने के लिए पैदा नहीं हुए, बिकने के लिए पैदा नहीं हुए, दुकानदारी करने के लिए पैदा नहीं हुए, बेहयाई पर नाचने के लिए पैदा नहीं हुए। आप लोग तो इस जमीन पर खिलाफत का ताज लेकर आए थे, आप लोग तो इस जमीन पर शराफत का मायार लेकर आए थे। फरहाद,
अब वक्त आ गया है, शुरू करो। हमारे द्वीप के बाशिंदों का, औरतों और मासूम बच्चों का कत्लेआम किया जाता है। हमें मुल्क दर मुल्क बेसहारा रिफ्यूजी की तरह भटकना पड़ता है। अरे इंसानियत के दुश्मन, तुझे उसे किसने यहां लाने कहा? ये उसकी मर्जी थी। दीदी बुला रही है। क्यों? सब खैरियत तो है ना? रो रही है, घर बुलाया है। रो रही है? चलो। मलिका, क्या हुआ? कोई खास मसला? वो जा रहा है, वो इसीलिए जा रहा है शाकिर। कौन, किसे, कहाँ? अंजर। अंजर? अंजर, ये तुम क्या बोल रही हो? वो नूरू को अभी पुराने कोठी पे ले जा रहा है। पुरानी कोठी? ये कैसे हो सकता है? कल वो नूरू को फिदान बनने के नुस्खे सिखा रहा था। कहा कि वो कैंप में जा रहा है सीखने के लिए कि खुदा की राह में फना कैसे होते हैं। खुद कुछ हमलावर? ये नहीं हो सकता है। मैंने अपने कानों से सुना है। और नूरू उसके साथ जाने के लिए बेताब था। खुदा खैर करे, नूरू को इस दोजख में डूबने से बचाना होगा। वही तो डर है। वो सरहद पार से इसीलिए जाना चाहता है कि वो अपने दादूबा को ढूंढ सके। और अंधर ने तो हथेली पर चांद दिखाया, कहा कैंप बॉर्डर पर ही है। शाकिर, नूरू नहीं जानता जिसे वो अपनी मंजिल समझ रहा है वो तो एक शर्मनाक मौत है। कुछ करो शाकिर। तुमने उसे घर से जाने ही क्यों दिया मालिका? मैं क्या करती, वो भाग निकला। तुम चुप करो, रोना नहीं। तुम्हारी आंखों के नूर को अगर तुम्हारी आंखों के सामने नहीं लाए ना, तुम खामोश रहो। मैं जाता हूं। बस आ गए, डरना मत, दादू जान जरूर मिलेंगे। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ। नूरू, 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 इधर।
नूरू चल यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं है। नहीं मुझे यही रहना है। मैं कह रहा हूँ ये लोग ठीक नहीं है। नहीं अल्लाह के इस नेक बंदे को वहीद पख्तून कहते हैं। मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं खुदा के खिदमतदार ढूंढने। जब आप नमाज अदा करते हैं तो अल्लाह पाक से अकीदत का इजहार करते हैं, अपना प्यार देते हैं, दुआ मांगते हैं उस प्यार का सबूत देने के लिए एक ऐसे तरीके से जो खुदा को कबूल हो, जिसमें दीन की हिफाजत हो, और वो है जिहाद। रब की बेशुमार रहमतों की आवाज में एक हकीर सा तोहफा जिहाद। और अगर इतना नहीं कर सके तो समझो जाया गई जिंदगी। जिंदगी वो जो दीन की पैरवी कर सके, और सच्चा मुजाहिद वो जो सुन्ना की राह पे चले। रबी जानता है कि जिहाद की राह में हमें क्या क्या कुर्बानियां देनी है और किन किन चीजों के बगैर गुजारा करना है। नबी से रिवायत है कि जिहाद के दो पहलू हैं। एक है वो जंग जो रब के लिए है, जीते तो अल्हम्दुलिल्लाह, हारे तो कुर्बानी का सवाब। दूसरी जिहाद होती है खुदगर्जी के लिए, इनाम और इकराम के लिए, अपनी ताकत के मुजाहरे के लिए। लेकिन जो खुदा की राह में कुर्बान होता है उन्हें तो नसीब होता है खुदा का नूर। मरते तो खोखले इंसान हैं, रब शहीदों को बख्शता है। वो बख्शता है लामहदूदियत, कभी ना खत्म होने वाला वक्त। मुझे दुनियावी डरपोक नहीं, शहादत के ख्वाहिशमंद जाबाज मुजाहिद चाहिए। मैं बनूंगा मुजाहिद। तुम बनोगे? ठंड लग रही है या डर लग रहा है? डर बिल्कुल नहीं। आपको देखकर मैं नहीं, लोग डरते होंगे। हमें तो डराने वाले चाहिए, तू क्या कर सकता है? मैं दीन के लिए अपनी जान दे सकता हूं। हमें जान लेने वाले चाहिए। मेरा मतलब जान लेते लेते अगर जान चली भी जाए तो कोई परवाह नहीं। बोल ही रहा है या करके भी दिखाएगा? बस एक मौका। अगर मैं गद्दार निकला? गद्दार तो वालदीन भी माफ नहीं। जिसने मुझे जान दी उसकी भी जान ले सकता हूं। रात से तुम हम बन गए, मुजाहिद की राह पर पहला। चलो यहां से। ये एक नई शुरुआत है, किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं। आपका दिल साफ है, मंशा पाक है और इरादे मजबूत। जिंदगी में सिर्फ दो बात मानो, एक खुदा और एक जो उसकी याद दिलाए। अजीब, इन सबको कैंप ले जाओ। जी जनाब। चलो 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 जल्दी चलो।
जल्दी चढ़ो, चलो जल्दी चढ़ो, उधर से भी चढ़ो। ज्यादा सोचो मत, घर वालों की कोई फिक्र नहीं, उनको पैगाम जाएगा, खूब सारे पैसे जाएंगे। चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी। ये क्या हो रहा है? इंसानी आवाजें तो नहीं लग रही है, कुछ रूहानी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जरा बाहर जाकर देखो। इतना रात को कौन है? अरे भाई मैं मौलवी मारूफ, भेड़ें भटक गई थी। यहाँ कोई फिरंगी गोरी लड़की है? कोई नहीं है यहाँ, जाओ। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है। हम एक नाम नहीं, रब के नाम के लिए हजारों नाम कुर्बान करने को तैयार हैं। साथियों ने खुद अपनी आंखों से वाकया देख कर बताए हैं। चलो रस्सी चढ़ो। जमाने का मुजाहिद दलेर कौम होने की निशानी है। इसलिए कि शहादत किसी के चंदे से नहीं मिलती, ये रब की मदद से मिलती है। चलो तुम ही करो। मुझसे आज तू है
जल्दी चढ़ो, गिरे नहीं, चलते तक जिंदा रहेंगे। बड़ी मुसर्रत हुई कि सारे लड़के पुरजोश और पुरअज़्म हैं। जी, अभी और तालीम देना बाकी है। सर, तकलीफ हो रही हो तो सामने बिछाओ। ये क्या नूरू? तोहफा तरक्की औदा। लेकिन ये लाए कहाँ से? वो अपना खासा मां, एक हाथ से बॉल दिया, दूसरे हाथ से गिफ्ट लिया। तुम्हारी फुटबॉल ये किसी कुर्बानी से कम नहीं है। वैसे तारीफ के लिए ममनून हूँ, लेकिन बात ये है कि मेरे पास दो फुटबॉल है और दो की क्या जरूरत जब एक से प्यारी चॉकलेट मिल सकती है और जश्न मन सकता है। और फिर एक ना एक दिन दादाजी तो मुझे मिल ही जाएंगे, फिर वो मुझे नया फुटबॉल दिला देंगे। तुम दादा हुजूर को क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि वो मेरे दादा जान है। लेकिन हुआ क्या था? वो 10 साल पहले मैंने और मलिकाओं ने गर्मियों में अपना घर छोड़ दिया। मलिका? इसकी बड़ी बहन। और इनकी मंगेतर। तो तुम दोनों करीबी रिश्तेदार हो? हाँ भी और ना भी। जनाब, पहले आप अपनी काबिलियत का सबूत पेश करें। पहले यहां से बाहर तो निकले। लेकिन उन गर्मियों में हुआ क्या था? हम अपने गांव से एक छोटे से शहर में कारपेट फरोख्त करने गए थे। महीने भर बाद लौटे तो दादा जान गायब थे। और तुम्हारे वालदैन? वो तो मैं जब 2 साल का था तब वो गुजर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
अरे नासिर भाई उठो। कुछ नहीं हुआ, पुशअप्स जारी रखो, चलो चलो। नासिर तुम कैसा महसूस कर रहे हो? वली के कलम के स्याही जैसा। सुभान अल्लाह। समीर इधर आओ। वहीद साहब ने कहा है कि इनके ट्रक खाली कराओ। आओ, तुम भी आओ। जाओ। तरतीब से उधर रखो, उधर नहीं, उधर संभाल के। तुम क्या जानो क्या है इनमें? ठीक हो? वो सुबह दौड़ में मदद के लिए शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, लेकिन आगे से मत करना। क्या, क्यों? वाहिद साहब को बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है यहां अतराफ में कितने कैंप होंगे? 5-1 हैं, लेकिन अपने जितने बड़े नहीं। कहां है ये? यही आसपास। आपने अली और उसके बक्से नहीं देखे? हाँ देखे हैं। बस ये दिन का ना रुकने वाला यलगार है, इससे कोई नहीं बच पाएगा। लेकिन तुम तो इस साजिश में, जंग में, तुम तो इस जंग में शामिल नहीं होना चाहते थे, नूरू की वजह से जुड़ गए। अकीदत की वजह से, रब की वजह से। रब ने हमें हुकूमत करने के लिए नहीं, खिदमत करने के लिए भेजा है। अरे एक दूसरे की तरक्की के लिए काम करो, इसी को जमहूरियत कहते हैं। और डेमोक्रेसी एक दूसरे को नजदीक लाती है, तानाशाही नहीं, डिक्टेटरशिप नहीं। रब ने जमीन की तखलीक की इंसान के लिए, तो इसका मजहब तो इंसानियत ही होगा। बहुत परेशान, हम तो थोड़े बहुत परेशान हैं ना, थोड़े बहुत है ना, लेकिन हमारे दुश्मन वो बहुत परेशान है, सख्त परेशान है। कहते हैं कि किस मखलूक से वास्ता पड़ गया, ये कौन सी मखलूक है? उन्होंने सोचा था कि इराक, वजीरिस्तान, अफगानिस्तान बम मारे गए, शाम सीरिया सारे मुजाहिद सजदा करेंगे। मेरा गमों का है बसेरा, ढूंढता मेरा।
नजर आ जाते हैं जाए, कोई परवाह नहीं है। वो काबिल है, बस थोड़ा सा तराशना चाहिए उन्हें। वो अब्दुल ने आज दिया, कहता था कि अगली बार इसे पाना मुश्किल है। होली बुक्स मुकद्दस किताब है। हाँ फरहाद, तुम तो बड़ी अच्छी उर्दू बोलने लगे हो। ये एक पीर की सरगुजश्त है, बड़ी काफी से मिली है, मुश्किल से मिली, जिद्दोजहद से मिली। बेशक हमने मोहब्बतों के नशे में आकर उसे खुदा बना डाला। होश तब आया जब उसने कहा कि खुदा किसी एक का नहीं होता। वाह, तुम्हें कितने शेर याद है। बेपना प्यार हो तो याद हो। दर्शाद, बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ।
रंज से खुगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज। मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर, ख्यासा हो गई। मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर, ख्यासा हो गई। वाह, सुभान अल्लाह। शेर खूबसूरत हो या बेहुदा, ये सब हराम है। क्या हराम है अकरम? दीन में शायरी हराम है। अरे क्या बोल रहे हो, शायरी तो रूह की आवाज होती है, वो तो खुदा की देन है। क्या बात है नासिर मियां, क्या बात है। जरा यही बात अपने भाईजान को बताओ तो जाने। शायद वो सही कह रहा है, वैसे भी बहुत रात हो गई है, चलो सो जाए। इतना शायराना अंदाज, फिर तुम यहां कैसे? हाँ हूं तो मैं पुश्तैनी सिपाही, मेरे घर वाले सोचते कि जंग ही मेरे लिए सही पेशा है, पर कहां है मरने मारने की आदत और कहां मेरी शायराना फितरत। यह है जंग का सबसे बड़ा हथियार, ध्यान से देखो। दुनिया के गोशे गोशे में हमारे बहन भाइयों पे जुल्म ढाए जा रहे, क्या हम हाथ पे हाथ धरे देखते रहेंगे? क्या हम खौफजदा हैं? क्या हम डरपोक हैं? क्या हम बुजदिल हैं? हमने बहना से नहीं पूछा कि तू कैसी है, तेरी मदद करें या ना करें। बहना, तेरी खातर तन लुटाएंगे, मन लुटाएंगे, जेलों को आबाद करेंगे, हथकड़ियां पहनेंगे, सलाखों से मार खाएंगे। तेरी इज्जत और हुर्मत के लिए, वो कहती हैं कि आप नौजवानों से बात करते हैं, हमें बुलाए आपको
हजारों बहनें माए में जाएंगी जो बम बांधने के लिए तैयार है। तुम्हारे और मेरे होते हुए बहनों को बम बांधने की जरूरत पड़ेगी। क्या बेचारियों को बम भी बंधवाएं? हमारे होते हुए हमारी कोई बहन महफूज नहीं। गली गली में मुजरे होंगे, पूछता हूं बहनों को बम बंधवाएं या तुम बांधोगे? दुश्मन हमारी बहनों को उठा कर ले जाएंगे। सियासतदान हमारी बहनों को उठा कर ले जाएंगे। उन पर थोड़े जुल्म किए हैं। बैठो नीचे, बैठो। उनको बम भी बांध, जिनके जिस्म में खून है, जिसके जिस्म में ईमान है, दिल में ईमान है, लाखों की तादाद में बहनें औरतें तैयार बैठी। जंग में जाने के लिए तैयार हैं। हमने रोका है, हमने। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अपने घर पे जंग का झंडा लगाएगा? और ट्रेनिंग के लिए तैयार है। दुश्मन कहता था हम 2 साल में मुजाहिदीन को खत्म कर देंगे। ये खत्म नहीं कर सके और कयामत का खत्म नहीं कर सकेंगे। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तुम्हारा भाई कैसा है? जी बाबा, सो जाओ। नासिर, बराए करम। नूरू, सो जाओ।
बाजी चाहे इतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नजदीक, एक बात है एजाज मसीहा मेरे आगे। चाहे इसे मजहब कहें, धर्म कहें या रिलीजन, ये सारे इंसानियत के दूसरे नाम हैं। असल दुश्मन तो वो है जो दोस्त बनकर तुम्हें गलत नसीहत दे। समीर, आप सब इसकी इज्जत करेंगे और ये जो बात भी करेंगे आप लोग उसे मानेंगे। तो ना मौलवी को पता था ना शराबी को कि भाई हंसे कि रोए। हाँ तो मैं बता रहा था कि अक्रम तो सख्ते में पड़ गया, बिल्कुल बौखला गया था वो। मैंने अपनी आंखों से देखा उसे आतिफ को पूछते हुए। क्या झूठ नूरू? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। वो उसने कहा कि वो अभी अभी आया है, फिर वो यूनिट का मेन लीडर कैसे बन सकता है? बस कर नूरू। ऑल राइट, आपका हुक्म सराखों पर। डरते हो? थोड़ा, कभी कभी। ये गोरी इधर की है या बाहर की? इसको मारेंगे कि छोड़ेंगे कुछ मालूम? नहीं। ना टेक्नोलॉजी से डरते हैं ना एटम बम से डरते हैं। हम कहते हैं कि क्यों डरें? जिनके साथ रब हो वो डरा नहीं करते, इसलिए कि आसमान भी रब का है, जमीन भी रब की है, ये दुनिया भी रब की है, और जहां जाना है वो भी मेरे रब का ही है। जो मुजाहिद है वो डर नहीं सकता, जो फिदाइन है वो डर नहीं सकते, और जो शहीद है वो किसी से घबरा नहीं सकता। डर जाओगे आप? खड़े होकर बताओ ना, डरेंगे? हम ये कहते हैं कि ये काम करो वरना मार देंगे। मार दोगे तो होरों से मिलेंगे, वो बेचारियां इंतजार करके किस
हालत में होंगे और यहाँ हम इंतजार में किस हालत में है, और मर गए तो जन्नत के बटे तीतर मिलेंगे, यहां तो नहीं मिल सकते, और मर गए तो प्यारे रब से मुलाकात होगी जिसके लिए सजदा करते हैं और सजदे में जाके कहते हैं कि रब हम तेरे हैं। आसमान से धूम धड़ाके होंगे, फरिश्तों की लाइन लगी होगी, क्या ये उसके लिए धमकी है? तो कोई और धमकी ईजाद कर लाओ, फिदाईन तो मौत का आशिक है, मुजाहिद तो मौत का आशिक है। तुमने वो नौजवान खड़े किए जो अपनी कमीज पर नाइकी का निशान बना के आई लव लिखते हैं कि मैं फलां से मोहब्बत करता हूं। हम वो नस्ल खड़ी करेंगे जो अपने माथे पर लिखेगा I love you मौत, मुझे तुमसे इश्क है, मेरी महबूबा मौत है। महबूबा क्यों नहीं मानती? अगर मौत बुरी चीज होती क्या रब हमें देता? लेकिन मौत तो जिंदगी का आगाज है, इस मौत को जिंदगी कहो मौत ना कहो। बात समझ आई कि नहीं? सारी दुनिया जिंदगी चाहती है और जिंदगी मौत में है, शहादत की मौत में। घबराओगे मौत से? पसीना आएगा, डर लगेगा, इस्तकबाल करोगे? आंख मारना मौत को, तुम सूफी ग्रुप की तलाश शुरू कर दो। जी करती है। फरहाद, तुम्हें दूसरा नक्शा मिला? शायरी का लुत्फ दोहराने में नहीं होता, सुन के गुन के महसूस करने में होता है। अरे नूरू के दादा जान भी शायर थे। अच्छा? बल्कि अपने हलके में काफी मशहूर शायर थे। क्या नाम था उनका? यूसुफ अली मुश्ताक। मुश्ताक? क्या बात करें, मैंने तो उनकी शायरी पढ़ी है और मैंने तो उनके आखिरी कुछ मजमून भी पढ़े थे कौमी तरक्की के बारे में। हाँ, सदाकत इस्लाम, इसकी वजह से पूरी हुकूमत उनके पीछे पड़ गई थी। सुना है काफी तशद्दुद का शिकार होना पड़ा था उन्हें। अगर मौत बुरी चीज होती क्या रब हमें देता?
ये खेल दीन में हराम है, पितूरी की सजा तो मिलनी चाहिए। अकरम। जी जनाब। सब लोग निकल जाओ, तुम पुशअप्स करना चालू करो, सब लोग निकल जाओ। वहां देख, बेचारा मौत के मुंह में खड़ा है और डरने की इजाजत भी नहीं। अगर जरा सांस भी जोर से ली ना, तो यहाँ जमीन पर बिछे लैंडमाइन से टकरा जाएगा और जिस्म के परखच्चे उड़ जाएंगे। तुमने रब के सामने नहीं जाना? चलो चलो जल्दी चलो, आगे बढ़ो, चलो भागो भागो, और तेज और तेज, हाँ और दम लगाओ। हाँ चलो जल्दी, मारो जोर से, मारो जोर से और जोर से, आज तुम ऊपर चढ़ो, तालीम का बेहतरीन तजर्बा दिखाया, अब एक इम्तिहान का वक्त आ गया है।
यहां कुछ एक गांव है जिनके लोग हमारी मुकद्दस मुहिम में अड़ंगे डाल रही है। बहुत खतरनाक लोग हैं ये, मेरे तुम्हारे वालदेन के लिए, बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, और ये हमारे कैंप से ज्यादा दूर भी नहीं है। वो दिन करीब आ गया है कि जब तुम अपनी तालीम को हकीकत में बदलो, दिखा दो दुनिया को कि मुजाहिद क्या होता है, जगा दो दुनिया को बेफिक्री की नींद से, और इसके लिए मैंने चंद जानबाजों को चुना है। चल दो मेरे दलेर सिपाहियों, ये रास्ता सीधा जन्नत को जाता है। मैं लौट के ना आओ तुम लोग यहीं रुको, कल सुबह मैं कुछ लोगों की मदद के लिए जाना, उन्हें सही मंजिल दिखानी है। मंजिल उनकी, तरीका हमारा। चाचा जी, इन्हें सब समझा देना। जी जनाब। दलील सुबह रोशन है सितारों की तनकता भी, उफक से आफताब उभरा गया दौरे गिरा खा भी, ज़मीरे लाला में रोशन चरागे आरजू करते, चमन के जर्रे जर्रे को शहीदे जस्तजू करते, हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा।
total latest location of the trainees on the run. Over. Yes. Manhattan subway blast over. Confirm location now. Initiate emergency protocol. Copy. उठो, चाय तैयार होगी। ये एक पाक मुहिम है, हमें कुछ लोगों को सच्चे वफादार बनाना है जो अपने दीन के लिए कुछ भी कर गुजरे, और इसका एक ही रास्ता है, डर और रहम को अपने से डर किनार करो। आओ
बाजी छे अतफाल है दुनिया। बेटे अलीक लेटे हो ना, देखो लेटे रहना बेटे। ए चाचे, हमारे कुछ साथी हादसे में घायल हो गए, कुछ वक्त तक यही रुकेंगे। देखा जाए तो आपका इंतजार था और इसका भी। चलिए आइए आइए, चलो। यहां बंदूक की कोई इज्जत नहीं, आओ फिर भी। चुपचाप अंदर चलो। संभल के बेटे, दहलीज है। आओ, इसे यहां लिटा दो। बड़ा दर्द हो रहा है, जरा करा लो बेटे। यहां भी है, कहां कहां चोटें लगी हैं। बाद में तुम्हारे कहो तो देंगे। क्या खेल खेल रहे थे बरखुरदार। ओह वहां भी है? क्या हुआ इसे? इसे वो ज्यादा सवाल पूछने की कोई जरूरत नहीं, जरूरत है खामोशी की। तो आप लोग दीन की खिदमत करने निकल पड़े हैं, चाहे तरीका गलत हो या सही, दीन के लिए जान की बाजी लगा रहे हैं, अपनी भी और दूसरों की भी। लेकिन जानते भी हो कि दीन क्या है। दीन यानी क्या, जिसके लिए मरने मारने पर तुले हो। देखो, खुशी और सुकून दीन के मकसद हैं। खुशी हमें चाहिए अभी और सुकून हमें चाहिए यहीं। हम इंतकाल का इंतजार नहीं कर सकते, वो और हम, उनका मजहब हमारा मजहब। अरे ये कैसा जाहिलाना बंटवारा है। अब तुम कहोगे कि मौसीकी भी हराम है। अगर मौसीकी हराम है तो मुझे बताओ कि झरनों का बहना, चिड़िया का चहचहाना और इंसान की आवाज, वो भी तो हराम हो गई। लेकिन वो तो रब की नेमत है, वो कैसे हराम होगी। खुदा की बात करते हो और खुदा के अल्फाज से खिलवाड़ करते हो, ये तो किसी तबाही चाहने वाले दिमाग की पैदाइश है। जितनी ज्यादा तबाही उतना ज्यादा उसका फायदा, क्योंकि रब की बख्शी हुई एक एक जान बेशकीमत होती है। समीर मियां, तुम्हें कौन सी बात सता रही है? ये कोरे अल्फाज नहीं, इनमें गहरा राज है। लेकिन सबसे पहले इंसान है और हर दम अच्छा इंसान बनने की कोशिश में रहते हैं। अब भी तुम भी करो। याद रखो, खुशी मिलती है खुशी बांटने से। मौत से पहले जिंदगी जी लो और जीने दो। अच्छा, अब शब बखैर और जिंदगी बखैर।
लगता है आप लोग जाने के लिए आए हैं। आपने किसे जाना? क्या करेंगे यहां रहकर? कौन सा खजाना गड़ा है? या AK-47 का कोई जखीरा है तो बताइए। देखिए वो जो कुछ भी हो, लेकिन आप लोग एक साथ तो नहीं जा सकते। ये आप क्या फरमा रहे हैं सबीर? कल रात शाकिर बद से बदतर हो गया है। अरे तबीयत इतनी खराब हो गई है कि जरा सी उम्मीद होती तो दुआएं भी मांगते। मैंने सोचा वो तो ठीक है। हाँ कुछ देर के लिए होश में आया था, लेकिन अब तो यूं समझो कि कसम खाने भर के लिए जी रहा है। लेकिन उसे तो साथ ले ही जाना होगा। अरे कैसे ले जाएंगे साथ? ना वो चल सकता है, ना सहारा ले सकता है। अरे बड़ी मुश्किल से सांस ले पाता है। साथ ले जा। ये आपने बहुत अच्छी कही। तो फिर क्या इंतजाम करें? समीर बात करने दो। बड़ा खुशकिस्मत है शाकिर, उसे अपनी आखिरी घड़ियां आपके साये में गुजारनी है, और आप जैसे आलिम के रहनुमाई में शहादत का तोहफा पाएगा। वैसे भी हमें तनोमन जवानों की जरूरत है जो दुश्मनों को नेस्तो नाबूद कर सके। क्या कह रहे हो अकरम भाई? हमें वो लोग चाहिए जो अपने पैरों पर चले, ना ही हमारे कंधों पर। बहुत काम बाकी है, कहियों को उस पार ले जाना है। चलो तो आ गया वक्त रुखसत। मारो साहब, हम आपके ममनून और मशकूर हैं। शुक्रिया। शुक्रिया नहीं, शुक्राना करो उस करीम बादशाह का। कोई जरूरत नहीं है इनको शुक्रिया बोलने की, बल्कि इनके पास हमने एक अपना आदमी छोड़ा है। हो सके तो जिंदा रखना, वरना गाड़ देना फातिया पढ़ के। बेशक, बेशक। चलो समीर। अरे दुआएं बटोरो, प्यार बांटो, या नफरत की जिंदगी काटो। क्या बोला? दुआएं बरसे रब की तुम पर। चलो। मैं अमेरिका से यहाँ आया किस लिए हूँ और हो क्या रहा है? अगर मौलवी मारूफ का प्लान चल जाए तो किम भी बच जाए और इस जहन्नुम से भी निकले। लेकिन ये लड़के नादान हैं, अपने जिंदगी की कीमत जानते नहीं और दूसरों की जान लेने निकले हैं। आखिरी कोशिश करता हूँ, अगर साथ दिया तो आजादी, वरना अलविदा। हमारे दोस्त मर रहे हैं, ये कैसी लड़ाई है जिसमें हम हमी को हरा रहे हैं? मजहब में बेगुनाहों के कत्ल करने की इजाजत नहीं है, और फिदाइन तो पहले अपने आप को ही मारता है। क्या हम गुनहगार हैं?
जो अपने आप का खून कर रहे हैं, वो भी किसी और के कहने पर। आखिर इस गुनाह पर हमें कौन उकसा रहा है? खुद हम, क्योंकि हम मजबूर हैं। नासिर अपने खानदान की वजह से यहां आया है। नूरू को दादा हुजूर को ढूंढना है और सैफ गरीबी से मोहताज। लेकिन हमारी लड़ाई तो खुदा के लिए है ना। लेकिन ये सब होने के बाद भी तुम ये सोचते हो कि ये सच की लड़ाई है। सच तो ये है, हम मजबूर हैं, लाचार हैं। हम हमारे दुश्मन से डरते हैं। इन लोगों ने जो मुजाहिद की तस्वीर बना रखी है, उसमें जन्नत का तस्वीर भी है। हम बेगुनाह लोगों को मारते हैं, क्या ये सही बात है? तुम्हारी बातों ने झकझोर दिया है बिल्कुल। बंद आंखों से भी दिखने लग गया है अब मुझे। समीर, तुम हमसे क्या चाहते हो? सोचो और उस पर अमल करो। अमल? मैं यहां सिर्फ दीन का फर्ज निभाने नहीं आया। जिस लड़की से मैं प्यार करता हूं, उसे इन लोगों ने किडनैप कर रखा है। उसे छुड़ाने की उम्मीद में मैं यहां पर आया हूं। तो तुमने ये बात अब तक छुपा कर रखी है? समीर, such a huge lie. झूठ नहीं, ये तरीका था मेरा सच छुपाने का। ये वो रास्ता है जिस पे एक बार चलने पर तुम कभी लौट नहीं सकते। जिस रास्ते हम आए, उसी रास्ते हम निकल सकते हैं। मैं ना सिर्फ अपनी मंगेतर किम को बचाना चाहता हूं, बल्कि तुम सबकी जिंदगी भी संवारना चाहता हूं। अगर हम एक हो जाएं, तो हम दुनिया जीत सकते हैं, दुनिया में वापस जा सकते हैं इस दोजक से। तो आप बस इतना बताइए, हम क्या करें? मुझ पर यकीन करो, मेरा साथ दो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं भी। सूफियों के कत्ल से लौटते हुए शाकिर इतनी बुरी तरह से जख्मी था, उसे उठाना भी मुश्किल था। पास में घर देखा और हम लोग जबरदस्ती उस घर में घुस गए। एक सूफी का घर था, उसने हमें पनाह दी, सलाह दी, अमन और भाईचारे की बातें की। मैंने अपने गुनाहों पर अफसोस किया और बताया कि मैं आईएसआई से क्यों जुड़ा। तब शाकिर ने भी कहा कि वो तो सिर्फ नूरू को बचाने की वजह से जुड़ा है। मौलवी साहब ने बताया कि उन्होंने एक फिरंगी लड़की को कैद में देखा था। यहाँ कोई फिरंगी गोरी लड़की है? कोई नहीं है यहाँ, जाओ। जबकि वो भले इंसान जानते थे कि हमने सूफियों के साथ ही ऐसी खुर्रेजी की थी। क्या मालूम वो इंसान थे कि फरिश्ता। समझो इस शैतान अब्दुल से बिल्कुल बरक्स। ऐसी मौत रब किसी को ना दे, शाकिर को तो बिल्कुल नहीं। शाकिर जिंदा है। कल बड़ी सुबह कैंप के बाहर दो वॉचमैन गार्ड होंगे, उनको हम धर दबोचेंगे।
फिर किम को छुड़ाएंगे। शाकिर एक ट्रक के साथ हमारा इंतजार कर रहा होगा। फिर हम ट्रक में चलेंगे और नेटो की चेक पोस्ट पर मारूफ साहब वो मौलवी पहले से ही हमारी पहचान चेक पोस्ट पर पहुंचाएंगे। इसी से इंसानों की दुनिया का दरवाजा हमारे लिए खुले होंगे। चलो मेरे साथ, कल एक नया दिन होगा, नई जिंदगी। समीर गद्दार निकला, वो गोरी और मुजाहिदों को लेकर भाग रहा है। कोई भी बचना नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी आ जाओ, चलो।
खतरात और मौत के इस अंधड़ में कौन जीता कौन हारा, लगता है आईएसआईएस ने इस कहानी के दायरे में जाने अनजाने, चाहते ना चाहते, सबको अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचाया। चाहे खुद ये गिरोह अपनी नापाक तमन्नाओं को नामुमकिन ख्वाब दिखलाती रही। प्यार और इखलास में बड़ी ताकत होती है। समीर अंसारी, सैम और किम को आखिरकार मिला ही दिया। आज वो अमेरिका की आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। शाकिर ने अपना वादा बखूबी निभाया। अपने होने वाले नादान साले को गलत रास्ते से वापस लाने में कामयाब हुआ। मलिका तो दोनों तरफ से खुश है, भाई भी मिला और भाई का बहनोई भी। नूरू अब अपने चहेते फुटबॉल की राह पर चल निकला है। नासिर ने अपने भाई वहीद और उसके तबाही पसंद नजरिए को क्या छोड़ा कि उसके खानदान ने फिर से उसे बाहें पसारे अपना लिया और अदब ने, दुनिया ए शेरो शायरी ने उसे पना दी। फिल का एक गलत फैसला उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाला था। उसने भी खोते खोते आज वो पाया जिसको हर नौजवान तरसता है, रोशन या शायद सुनहरा कल। मौलवी मारूफ को सूफियों के कत्लेआम का गम तो है, लेकिन फिर भी वो खुश है कि वो कुछ भटके हुए टेररिस्ट ट्रेनिस को सही रास्ते पर ला पाए। वो इस उम्मीद में जी रहे हैं कि इसी तरह रफ्तार रफ्तार दहशतगर्दी आतंकवाद मिट जाएगा। लेकिन तब तक दुनिया अमन की चाह में ना चाहते हुए भी जंग करती जा रही है। इफ वी वॉन्ट लास्टिंग पीस, वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ए बैटल। पीस देयर विल बी, क्योंकि इंसानियत का दूसरा नाम है अमन। शांति, शांति।